तो हाल चाल कैसा चल रहा है गाइज। मैं नए वीडियो के साथ आ गया हूँ। तो इस वीडियो में थोड़ा एक क्या बोले अलग टाइप का वीडियो होने वाला है। तो मैं जानते हो कि मैं रैंक पुश करने वाला था, मैं अपना टीममेट्स बना के अपने सब लोगों के साथ रैंक पुश करने वाला था। बट क्या बोले उस दिन मैं कर ही रहा था, मैं एक 4000 करके सब्सक्राइबर उसके साथ मैं रैंक पुश ही कर रहा था कि मेरा मोबाइल अपने आप स्विच ऑफ हो गया। उसके बाद मैं उसे ऑन नहीं करने पाया। तो मेरे पास क्या करे, पहला दिन तो मैं रैंक पुश नहीं करने पाया। फिर सेकंड दिन मैं रैंक पुश करने के लिए अब बनवाना पड़ेगा मोबाइल, सो मैं उसे बनवाने भी नहीं पाया क्योंकि इधर भाई फेस्टिवल चल रहा था। बहुत लोगों का जो फेस्टिवल चल रहा था वही लोगों का दुकान था, सो वो लोग दुकान नहीं खोला, तो उसके चलते मैं फ़ोन भी अपना नहीं बनवाने पाया। फिर भाई मेरे पास एक अल्टरनेट मोबाइल था भाई, वो अल्टरनेट मोबाइल में क्या बोले उसके साथ मैं खेलने का कोशिश तो किया अपने सब्सक्राइबर लोगों के साथ, बट क्या बोले यार बार बार गेम क्रैश कर जा रहा था। इसलिए मैं क्या बोलूँ अपने सब्सक्राइबर लोगों का मैं माइनस नहीं करवाना चाह रहा था, इसलिए मैं सोचा कि भाई मैं सोलो ही पुश कर लेता हूँ करके रैंक। भाई अगर मैं नॉर्मली रैंक पुश करवाना चाहता तो मैं कोई भी जानते हो अभी ढेर सारा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन्स चल रहे तो वो लोगों को पकड़ के मैं भाई स्पैम करके ईजिली हम पहुँच सकते थे एकदम मास्टर्स तुरंत। लेकिन तो मैं सोचा कि भाई एक चैलेंज बनाता हूँ कि ऐसा पोकेमोन लेता हूँ जो मेटा में नहीं है उतना और स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, और उसका ऐसा मूव सेट लेता हूँ जो ज़्यादा कोई खेलता भी नहीं है। तो फिर मैं सोचा कि बस वही पोकेमोन के साथ मैं रैंक मास्टर पूरा पुश करूँगा, जब तक ले मास्टर नहीं पहुँचूँगा तब तक ले वो पोकेमोन को खेलता रहूँगा। तो वही चीज़ मैं ग्रेनिंजा का मैं सर्फ वाला बिल्ड जानते हो बहुत पॉपुलर है, तो सर्फ वाला बिल्ड नहीं खेला इसमें, मैं खेला तुम्हारा सुरेकेन वाला बिल्ड। सुरेकेन वाला बिल्ड भाई क्या बोले एकदम ख़राब नहीं है, अच्छा है, अभी बहुत अच्छा हो गया है, पहले से तो अच्छा हो गया क्योंकि क्या तुम्हारा एकदम दूर से डैमेज देने के लिए बहुत ही अच्छा है। और जानते हो सारे पोकेमोन्स आजकल जो एकदम क्लोज कॉम्बैट वाले हैं वही लोग एकदम मेटा में है, तो वो लोग से तुम उस लोगों को ईजिली काइट कर करके तुम डैमेज कर सकते हो इस वाला मूव सेट के साथ। तो मैं वही करने का सोच रहा था। तो मैं ग्रेनिंजा के साथ तो ढेर सारा मैच तो खेला और बहुत मुश्किल से भाई 2-3 मैच लगातार हारा भी, एकदम दिमाग ख़राब हो गया था खेलते खेलते। फिर मैं सोच रहा था कि भाई बीच में चैलेंज छोड़ लूँ, उसके बाद कोई भी तुम्हारा मेटा वाला पोकेमोन से रैंक पुश कर लूँ, लेकिन भाई वैसा कर लेता तो फिर मज़ा नहीं आता। तो यही चीज़ मैं कर रहा था तुम्हारा ग्रेनिंजा से कर रहा था। तो चलो मैच में चलते हैं। यहाँ पे मैं अपना ज़ुमरिल को लेवल 4 होने देता हूँ ताकि भाई उसका लेवल 4 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरा एक फार्म से, सो उसको मैं लेवल 4 होने देता हूँ ताकि उसका फर्स्ट मूव आ जाए। उसके बाद हलंग बीज लेना स्टार्ट करता है, ज़ुमरिल उधर बीजी रखा हुआ है तब तक हलंग बीज यहाँ पे पूरा सिक्योर कर लेंगे। उसके बाद ये लोगों का जंगलर भी ऊपर साइड में गया है, सो हलंग के लिए ईजी पड़ेगा, और यहाँ पर हलंग आधा से ज़्यादा बीज भी सिक्योर कर लेता है। अब भाई मेरा जानते हो एकदम ग्रेनिंजा को लेन में खिलाना नहीं चाहिए, लेकिन मैं लेन मार्क नहीं किया था भाई, हम बता रहे हैं हम जंगल मार्क किए थे, बट गेंगार भाई एकदम दे नहीं रहा था जाने के लिए जंगल, सो मैं बोला कि भाई तू ही चला जा करके, मैं ही लेन चला जाता हूँ कैसा भी करके पुश कर लूँगा। अब मैं ढेर सारा गेम भी ग्रेनिंजा का भाई लेन में खेला हूँ, दर्द बता नहीं सकता हूँ भाई, एकदम हालत ख़राब हो जाता है इसको लेवल 7 पहुँचाते। लेकिन ये वाला मैच में थोड़ा इजीली पहुंचा देता मेरा, मेन बात इस मैच में ना लेन पार्टनर ठीक ठाक मिला हुआ रहता है, एकदम बार बार जाके डिस्टर्ब करते रहता आगे मैं, तो हमको इजीली अपना पीछे वाला फार्म हम अकेले सिक्योर कर लेता है, जिसके चलते भाई हम लेवल 7 पहुंचने ही वाले हैं जल्दी। उसके बाद ये वाला फार्म हो गया, अभी हमको 2 फार्म आ चाहिए, उसके बाद हम लेवल 7 इजीली पहुंच जाएंगे। यहाँ पर टॉप वाला बन ही लेते हैं, उसके बाद हो जाएगा मेरा। उसके बाद मेरा अजू बहुत अच्छा खेल रहा था भाई, मजाक नहीं कर रहे, बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था लास्ट में भी। और यहाँ पर देख लो मेरा वाटर सुरेकेन आ गया, अब भाई मेरा हो गया कान का। लेकिन यहाँ पर देख लो भाई, यहाँ पर तुम्हारा जेशियन को थोड़ा काइट कर करके खेलना पड़ेगा, और जेशियन भाई अल्ट लेके आया हुआ था, समझ रहे हो, वो बंदा अल्ट लेके आया है तो समझ जाओ कितना धोया है ऊपर में, तभी उसके पास अल्ट आया हुआ है। लेकिन यहाँ पर हम जेशियन को ईजिली निकालते हैं, और भाई देखो जेशियन को निकाले और हमको कितना लेवल मिल गया, हमको डायरेक्ट 1 लेवल मिल गया, और यहाँ पर काइट कर करके मस्त खेल रहे हैं। और यहाँ पे इसको भी निकालते हैं, उसके बाद लास्ट में साइथर बचता है, साइथर को भी निकाल लेते हैं। क्या ही यहाँ पे भाई आउट प्ले किए, तीनों को आउट प्ले किए देख रहे हो, और हम स्क्वीसी पोकेमोन है भाई, कितना मस्त पे भी आउट प्ले कर गया। लेकिन हम लोगों का वही चीज़ है, टॉप में देख लो हालत एकदम ख़राब है, ऊपर में हम लोगों को रेजी लेके मिला नहीं है। वैसे मेरा अजू डाल रहा है ठीक है भाई, तोड़ दिया, लेकिन अगर थोड़ा ज़्यादा करके ओवर स्टैक करते तो ज़्यादा अच्छा रहता, ज़्यादा प्रीफर करता, लेकिन छोड़ो जैसे में भी तोड़ दिया है। अब हम लोग यहाँ पे रेजी लोग लेना स्टार्ट करते हैं, वेट नहीं करना, अगर वेट करेंगे तो भाई वो लोग टीममेट्स आ जाएगा, अगर जेशियन आ गया तो फिर छिन आ गया भाई, जेशियन का वेट नहीं करना है।
जेशियन हमको हार्ड काउंटर करेगा, जब मौका मिलेगा हार्ड काउंटर करेगा, अगर पकड़ लिया तो भाई मैं मर गया। वैसे टॉप में ही लोग रेजी लेके घुसा देता है भाई, क्या है यार, मेरे पास अल्ट आया हुआ रहता है और यहाँ पे मैं गाड़ी को तो निकाल लेता लेकिन गाड़ी मेरे पास सोलो अल्ट चला देता है, उसको तो निकाल लिया लेकिन यहाँ पे देख भाई ग्रे निंजा, इन लोगों का टीममेट्स लोग सब अच्छा खेल रहा था समझो, सबका सब प्लेयर अच्छा खेल रहा था। ग्रे निंजा तुम्हारा इसका जेशियन जो भी मेंबर था बहुत अच्छा खेल रहा था, अपने टीम मेंबर भाई बहुत डेंजर डेंजर थे। तुम्हारा गेंगार है, उसके बाद फिर तुम्हारा है भाई गार्चम देख लो भाई, मैं गार्चम को बोलूँगा बहुत अच्छा पोकेमोन है ठीक है, लेकिन ठीक आदमी के पास अच्छा पोकेमोन है। अगर तुम खेले हो बहुत मैचेस है तुम्हारा गार्चम के साथ, तभी मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर सकता हूँ कि भाई तू गार्चम चलाने पाओगे, ना तो बहुत हार्ड पोकेमोन है इसको कंट्रोल करना, इसका ट्रिक्स अब ईजी नहीं है यूज़ करना। यहाँ पर देखो ये बंदा लोग एकदम दोनों छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था भाई, एकदम प्रेशर डाल के रखा हुआ था, स्कोर में स्कोर किए जा रहा था, मुझे अकेले संभालना पड़ रहा था, लेकिन कितना ही मस्त में काइट कर करके इन लोगों को डैमेज दे रहा है। देखो एकदम खतरनाक, यहाँ पे फिर सुरेकन मारा, ये लगभग एच पी खत्म हो गया, यहीं पे दोनों छुपा हुआ था और ये लोग क्लोज कॉम्बैट फाइट लेने को जा रहा था वो भी ग्रे निंजा से। और जानते हो कि डबल बेसिक अटैक का डैमेज पड़ता है भाई क्लोज कॉम्बैट में, नहीं सकोगे अगर तुम जेशियन या फिर तुम उस सिफू है तभी तुम ग्रे निंजा के साथ क्लोज कॉम्बैट में सक सकते हो, अगर नहीं हो तो कोई चांसेस नहीं है तुम्हारा फाइट करने का। उसके बाद यहाँ पे हलो ये वाला फॉर्म लेंगे, इससे ये भी नहीं देना है भाई लोगों को, इन लोगों को देंगे तो भाई मुझे एक मैच चाहिए था मास्टर्स जाने के लिए, ये लोग मेरा मास्टर्स हो लगा। और यहाँ पे देखो ग्रे निंजा वर्सेस ग्रे निंजा, मर जा भाई मर जा, अरे जेशियन है इधर, जेशियन से दूर भागना है भाई, अभी मरना नहीं है हमको। अरे यार गाड़ी वर है यहाँ पे, गाड़ी वर को टारगेट करते हैं भाई, क्या ही एच पी इसका मेल्ट किया। अरे भाई ये बंदा तो भाई देख देख के बात बात में अल्ट चला देता है। उसके बाद देखो मेरा अजुमरी अच्छा खेल रहा है, वहाँ पे दोनों को इंगेज करके रखा हुआ, देख रहे हो भाई जेशियन के साथ तुम्हारा इंगेज करके फिर भी जिंदा बच जा रहा है, बहुत ही अच्छा प्लेयर था मेरे ख्याल से, लगता है अच्छा एक्सपीरियंस है इसके साथ अजुमरील का। उसके बाद टॉप में मेरा गार्चम मेल्ट कर देता है, तो फिर मैं सोचता हूँ कि भाई टॉप में जाके क्या फ़ायदा, पुश तो करवाना नहीं, नीचे वाला रेजी लेते हैं उससे अच्छा। यहाँ पे देखते हैं साइथर को, साइथर देखो मेरे ऊपर सर चला दिया, इसको लेवल नहीं देना है, अगर मैं यहाँ मरता ना तो डायरेक्ट उसको बहुत लेवल दे देता। देखो मैं 12 लेवल का, वो 9 लेवल का, पक्का उसको 11 या फिर 12 तक पहुँचा सकता था, इसका लेवल बहुत ज़्यादा एक्सपी करता, इसलिए मैं यहाँ पे अल्ट चला दिया था। अच्छा मेरा फोर्स अल्ट चलवा दिया, बहुत ही ओपी खेला साइथर वहाँ पे, हमको सिंगली टारगेट किया था। उसके बाद चलो हम लोग चलते एक बार जंगल में, देखते कोई भी बफ उफ रहेगा उसको हम लोग मेल्ट करते, उसके बाद फाइट के लिए रेडी हो जाएंगे। भाई मेरा अल्ट लेकिन वेस्ट हो गया, हम कोई अच्छा फाइट में अल्ट चलाते तो ज़्यादा फायदा होता, लेकिन यहाँ पे हमको जिंदा बचने के लिए अल्ट चलाना पड़ा, क्या बोले होता है भाई यहाँ पे। वैसे मेरा गेंगार पॉप ऑफ कर रहा है अच्छा है, 3 का केवो निकाला हुआ है, और भाई ऊपर में बस रोक ले गार्चम डालने ना दे भाई, 50 है उसके पास, डालने दे दिया तो भाई अलोंग लीड से गए काम से। भाई क्या कर रहा है भाई गार्चम, मत कर भाई वैसा यहाँ पे अजुमरिल को ये लोग दौड़ा रहा है, देखते अरे भाई एक एचपी में बचाना ही पड़ेगा इसको, और यहाँ पे बचा लेते हैं इसको, चलो कोई बात नहीं। अब उसके बाद चलते हैं टॉप तरफ, ग्रे निंजा भाई बहुत देर से वो कर रहा है 50 लेके इधर उधर घूम रहा है, उसको डालने नहीं देना है। और इधर फार्म भी नहीं है कि भाई मैं फार्म करूँ लेवल 13 हो, और यहाँ पे मारने का तो कोशिश करता भाई, देखो भाई जेशियन हम चेस करने लगता है, जेशियन भाई एकदम जेशियन प्लेयर्स लोग खतरनाक होता है। यहाँ ग्रे निंजा का तो बहुत अच्छा डैमेज देता हूँ, और यहाँ पे मस्त यहाँ पे मरता है ग्रे निंजा, उसका लेवल 13 भी पहुँच गया, देख रहा बहुत अच्छे पोजिशन में एकदम सेफ खेल रहे हैं, जेशियन से उतना फाइट नहीं ले रहे और इजली जितना भी स्क्विशी पोकेमोन से वही लोगों को टारगेट कर रहा है। ऐसे ही ग्रे निंजा को खेलना पड़ता है भाई, अगर तुम सोचोगे कि सबको मार लोगे तो नहीं चांसेस है, तुमको जेशियन सबको काइट करके खेलना ही पड़ेगा, उससे तुम 1v1 नहीं सक सकते हो। उसके बाद देखते हैं नीचे साइड में शायद वो लोग पुश करवाएगा, लग तो रहा है, अच्छा हुआ मेरा गेंगार चला गया और वो लोग वहाँ डिफेंड कर लेगा, तब तक ले लोग रेजी लेके इजली मेल्ट करेंगे ताकि लोगों का डायरेक्ट बेस में जाए, बहुत ही अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए। और यहाँ पे हलोंग के पास भी जेशियन था तो इसके चलते हम लोग इजिली मेल्ट कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। उसके बाद ये बंदा कहाँ भाग रहा है, अरे यार अबे भाई शैडो क्लोन था, आपको लगा सही में ग्रे निंजा आ गया, लेकिन चलो यहाँ पे देखते हैं किसी को पकड़ने पाएंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ प्रेशर डालना चाहिए भाई, पुश नहीं करवा रहे वो दूसरी बात है, देखो ऐसे प्रेशर डालोगे तो वो लोग अल्ट सब कमिट करता है। यहाँ पे हम अपना गार्चम भी वैसे अल्ट कमिट कर लिया है, वैसे जिंदा तो नहीं बचा के लग रहा है, लेकिन ये लोग बहुत कम एच पी कर दिया है और लास्ट फाइट ये बन जाएगा, सो यहाँ पे अल्ट कमिट कर सकता है। और यहाँ पे अल्ट मारे नाइस वाला, और यहाँ पे ये भी मरा, पांचों बंदा मर गया भाई। हलोंग को रिक्वाजा स्टार्ट करना चाहिए, क्या कर रहा है भाई, हम माइक खोल के बोले थे इन लोगों को जल्दी आओ ताकि रिक्वाजा फास्ट क्लियर करने पाए, वैसे हम मेल्ट कर सकते हैं। अरे वाह भाई हलोंग थोड़ी का केमिस्ट्री भी है नाइस, यहाँ पे सोलो तो मैं मेल्ट कर रहा हूँ लेकिन मेरा टीममेट्स रहता है तो जल्दी मेल्ट होता, चलो कोई बात नहीं, लेट से भी आए फिर भी हलोंग अच्छा खासा मेल्ट कर लिया।
भाई सेंटर में ये लोगों को डिफेंड करने में इजी पड़ेगा, जान रहे हो, वहाँ पे सबको एक ही जगह में खड़ा हो जाएगा, इसके चलते ये लोग आलों का शील्ड इजीली तोड़ सकता है। तो आलों को यहाँ पे चालाकी से डालना चाहिए, एक बंदा के भी डाला जाएगा बहुत रहेगा, लेकिन नहीं डालने पाएंगे तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगा। देखते हैं भाई, ये लोग तो सारा प्लान बना के रखा, चलो कम से कम गाचोम का 98 डला है, हम ट्राई करते हैं भाई मेरा शील्ड कितना फास्ट हो रहा है। हमको लगता है पीछे जाके डिफेंड ही कर लेना चाहिए था। हम अटैकर सब लोग भाई सेंटर वाला मैं ऐसा मैं नहीं डाल सकता, समझा, एकदम दिमाग लगाना। अगर सेंटर वाला मैं देख रहे हो केवल सेंटर बचा हुआ है तो भाई डिफेंड करने लगा अगर जीत रहे हो तो। हम यहाँ गधा वाला काम किया, मेरा दिमाग ही में नहीं आया कि भाई जाके वापस डिफेंड कर ले करके। और 14 सेकेंड का है भाई, वो लोग जल्दी आ जाए, 7 सेकेंड और 6 सेकेंड है, चलो अज्जू और मेरा लगता है गाचों पा जाएगा उन लोगों से आने से पहले, बस डिफेंड कर ले नीचे साइड का। देखते हैं मेरा भी हो ही गया है लगभग 3 सेकेंड 2 सेकेंड, नाइस कुजा भाई कुजा कुजा, नाइस नाइस रोक लिया है। चलो हम सेंटर में रहने का कोशिश करते, वैसे जेशियन भी मेरा कूदेगा ही, लेकिन भाई ये लोगों को तो मेल्ट कर दिया पूरा, हमको भी जाना ही पड़ेगा लगता है। गेंगार भाई मत आना, गेंगार मत आना, अभी थोड़ा देर वेट कर ले। अरे भाई आ जा भाई, यहाँ पे तो पूरा प्रेशर बढ़ा के रखा हुआ है, यहाँ पे देख रहे हो सबको हम ट्राई कर रहे हैं, देख रहे हो, देखो सब डालने का कोशिश कर रहा है एक एक करके। यहाँ पे अल्ट भी चला है, नाइस, कम से कम एक बंदा को तो निकालेंगे मरने से पहले, यहाँ पे निकाले गाड़ी को लेकिन मर गए ग्रेनिन जैसे, कोई बात नहीं, मेरा गेंगार आके पूरा क्लीन अप कर दिया। और चलो ये लोग सरेंडर भी कर दिया, तो देखो क्या ही मैच था भाई, देख रहे हो ना, एकदम हालत ख़राब हो गया था, हार्ड लग रहा था, हार्ड मोड में खेल रहे थे भाई, ये सीज़न रैंक पुश एकदम हार्ड मोड में किया। अगर चेशियन या फिर कोई भी तुम्हारा ओपी पोकेमोन खेलता तो तुरंत पुश हो जाता, लेकिन मज़ा नहीं आता, ग्रेनिंजा से पुश करवाया था इतना मज़ा आया कि क्या बता सकते हैं। तो चलो डैमेज में देखते हैं, 12 किल 6 असिस्ट बहुत है भाई, और देखो 95K का डैमेज है, नाइस, बहुत ही डिसेंट है। 5K आ रहा था तो 100K हो जाता, लेकिन अजू मरील को देखो, हम बोले थे ना बहुत अच्छा खेला, 100K का डैमेज पहुंचा दिया है, और क्या ही मस्त गेम था भाई। तो गाइस तुम लोगों को कैसा लगा ये वीडियो बताओ, अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करना मत भूलना। तो सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।